अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? काफ़ी दिन गुजर गए हैं, मैंने कोई वीडियो शीडियो अपलोड नहीं की तो थोड़ा सा को मसले मसाइल चल रहे थे। तो यार अभी गांव में हूँ, कपास की पहली चुनाई मैंने करवा ली थी और आज जो है शुरू करवा रहा हूँ उसकी फ़ाइनल चुनाई। तो यार अभी सुबह सुबह उठा हूँ, नमाज़ पढ़ी है, अभी ट्रैक्टर के हालात देखते हैं। ट्रैक्टर को टाके शाके लगाते हैं, 3 माह से बंद खड़ा है, तो देखते हैं स्टार्ट होता है या नहीं होता। ये भाई मिट्टी की हालत देखें। अब इसको कपड़ा शपड़ा लगाते हैं, डीजल डालते हैं। रात में ले आया था डीजल, ये पड़ा है। तो भाई डीजल शीजल डन, डाला सो तो थोड़ा सा ही है क्योंकि सिर्फ साथ वाले गांव से ना लेबर को लेके आना है, सिर्फ वो लेके आना है, छोड़ के आना है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा डाला मैंने। चलो ये बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। पानी शानी डाल लिया, डीजल डाल लिया और बैटरी भी ठीक है, हाथ रख के स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी स्टार्ट करके देखता हूँ। लें जी, स्टार्ट हो गया। अभी थोड़ी देर इसको स्टार्ट रहने देते हैं, फिर निकालते हैं, ट्राली शाली ढूंढते हैं, जाके किसी लेके आते हैं लेबर को। जी भाई, अभी ताले शाले लगाते हैं और जाते हैं लेबर को लेने। पानी कहाँ से निकल रहा है भाई? अच्छा ओवर हो गया, ओवर हो रहा है इसलिए पानी निकाल रहा है, मैंने ज़्यादा डाल दिया मीडियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, खैर खैरियत से आज का दिन गुजरे। ये जो गंद पड़ा हुआ ना, ये वो बीज रखा हुआ है उसका, जंतर जंतर का। तो भाई ये खड़ी है ट्रॉली, डालते हैं। पूछ लिया कज़न से। भाई सुबह सुबह का टाइम, ये सनराइज हो रहा है इधर, पुरसकून माहौल। भाई ये है जी सात वाला पिंड, हमारे पिंड से तो काफ़ी खस्ता हालत है इसकी। यहाँ की तो सड़कों की हालत हमारे गांव से भी ज़्यादा बुरी है और नालियाँ भी नहीं हैं इधर, ये गड्ढे खोदे हुए हैं इधर पानी के लिए, सेवरेज के लिए। ये देखें सामने सड़क के ऊपर ही पानी, सारे टायर सत्यानाश हो गए हैं। सामने जो ओस पड़ी हुई है ना पौधों के ऊपर,
अब सूरज की रोशनी से ना वो भाप बन रही है, यहाँ तो थोड़ा सा इफेक्ट नज़र आ रहा होगा। भाई ये रही अपनी कपास, लेबर को छोड़ दी है और अभी ट्रॉली लेने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर आते हैं वहाँ पे सुबह। ये जी कमाल है अपना, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कुछ बेहतर है पिछले सालों से, थोड़ा सा ख़राब हुआ है। ये देखें यहाँ से, यहाँ पता नहीं क्या बीमारी लगी है, कंट्रोल ही नहीं हुई, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यार ये जो है ना यू, इसका यहाँ से ये टूटा हुआ है काफ़ी दिनों का, जिस जब हमने वो चावल लगाए थे ना तब का टूटा हुआ है, तो आ जाए इसको वेल्ड करवाने। ये यार यहाँ से टूटा था, इसमें यहाँ इसको यू डाल के वेल्ड कर देंगे, काम ये भी हो जाएगा। तो भाई घर आ गया हूँ, अभी थोड़ा सा हाथ मुँह धो के ना थोड़ा रेस्ट करता हूँ और फिर जाते हैं दोबारा ज़मीनों पे। ये खड़ा जी अपना ट्रैक्टर, इसकी बैटरी की मैंने तारें निकाल दी हैं क्योंकि इसका जो है ना जनरेटर मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये देखें बैटरी जो है ख़त्म कर देता है अगर तारें लगी रहें तो यहाँ से फ्री हो गए ना कपास से, फिर इसका थोड़ा बहुत जो काम रहता है वो करवाने वाला वो करवाएँगे। तो भाई एक अच्छी खबर ये है कि हमारे पास जो शुगर मिल है काफ़ी अरसा से बंद थी, तो हमें तो काफ़ी नुकसान था क्योंकि बहुत दूर भेजना पड़ता था हमें गन्ना। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें पासबुक आज मिल गई है चौधरी शुगर मिल की, एक टेंशन तो दूर हुई अपनी। बाकी यार आपको कपास दिखाता हूँ अपनी। तो भाई साहब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह खिल गई है, इसकी पहली जो चुनाई करवाई थी वो उस वक्त सही तरह जो टींडे थे ना खिले नहीं थे, अब ठीक है। ये देख ये देखें जी माशाल्लाह चावल दाने बनने शुरू हो गए हैं, दिखाता हूँ ये खोल के देखते हैं। ये देखें भाई इस सीज़न का पहला चावल का दाना माशाल्लाह ज़बरदस्त है, अल्लाह ताला बरकत डाले इसमें, और पिछले साल की निस्बत कुछ बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल। तो यार ये रहा दाना, है तो अभी नरम, पहला दाना मुंह में गया है, अल्लाह बरकत डाले यार इसमें। तो भाई सारा दिन हो गया है, मगरब का टाइम होने वाला है, सामने सनसेट हो रहा है, सुबह सनराइज भी हमें यहीं पे हुआ था और सनसेट भी यहीं पे हो रहा है। यार अभी जा रहे थे रास्ते में ना यहाँ पर एक सांप पानी में तैर रहा था, कहीं घूम गया होगा यहीं कहीं। यार भाई पास नहीं जाते, काट ही ना ले। आ बैठा मां भाई मिल गया, ये सर निकाली खड़ा है, थोड़ा सा पास जाके देखता हूँ, भागता है जाता है।
भाग गया। वो आगे चला गया जी भाई। सारा दिन इन्हीं चक्रों में घूमने के बाद फाइनली घर पहुंच गए हैं। अभी कपास अनलोड की है, ये मेरे पीछे नज़र आ रही है आपको। लेकिन मसला ये है, ये सारी रात ही सोने देते। ये देखे, ये देख रहे हैं आप, ये इन्होंने पूरे घर में फैल जाना है। ये देख, भरी पड़ी है कपास और कपड़ों में हर जगह घुस जाते हैं। इसमें भी थे, लेकिन ये जो है, अब ये फ़र्क आप चेक करें, ये पहली दफ़ा की है और ये दूसरी दफ़ा की है। साफ वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है, ये साफ़ है, ये इसके अंदर वो दूसरी फुटी होती है इस तरह की। ये देख ये चीज़। यार इसी के साथ यार आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, दो में याद रखिएगा। तो बस अभी मैं नहाता हूँ, नहा के थकान बहुत हो गई है यार, काफ़ी दिनों बाद आज काम किया है। तो यार इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।